Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। दोस्तों, लेके आया हूं मैं लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड्स विद परसेंटेज, किसको मिले कितने परसेंट वोट, क्योंकि लोग ये पूछते हैं बार बार रूबीना और राहुल में कितना फर्क है, रूबीना और राहुल में कितना फर्क है, राहुल और रूबीना में कितना फर्क है। ये पूछते हैं लोग, ये नहीं पूछते कि अली गोनी और राखी सावंत में कितना फर्क है, ये नहीं पूछते, ये भी नहीं पूछते कि अली गोनी और राहुल में कितना फर्क है, क्योंकि लोगों को अभी दिखने लगा है कि यही टॉप टू है, इनमें से कोई जीतेगा तो इनमें कितना फर्क है ये जानना होता है। तो चलिए मैं बता देता हूं आपको क्लियर कट, क्योंकि अब समय जो है बहुत कम रह गया है। अब तो संडे, ऐसी पलक झपकते ही संडे आ जाएगा, फिर हम बैठे होंगे शाम को देखने के लिए दुख 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 के साथ कि भैया कौन जीतता है, कब सलमान खान ऐसे हाथ उठाएंगे। तो वो बहुत ही लोगों के लिए, फैंस के लिए मुश्किल की घड़ी होती है। चलिए बात करते हैं पहले भाई गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन भी दबा दे ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे, धन्यवाद। तो दोस्तों, बीच में जो है निक्की तंबोली हो गई थी बिग बॉस के घर से कंप्लीटली गायब, बहुत सारी बातें उठी के निक्की तंबोली तो है ही नहीं, निक्की तंबोली चली गई है, निक्की तंबोली गायब हो गई है, निक्की तंबोली एविक्ट हो गई है और फिर आई कि नहीं निक्की दिख रही है, दिख रही है। ये सब किसने किया, ये हम तो कर नहीं सकते, ये नेचुरली मेकर ने किया होगा कि तांजो इस मौके पे शो की थोड़ी बहुत, क्योंकि मेकर जिसने पैसा लगाया वो पूरी कोशिश करते हैं कि भाई शो को किसी तरीके से अच्छी टीआरपी मिल जाए, क्योंकि इस बार जो है थोड़े कंटेस्टेंट थोड़े बिग बॉस ने इस तरीके से चूज कर ली कि वो कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं, ठंडे हैं इस बार कंपैरेटिवली, इसके लिए थोड़ा सा जो है ये चीजें होती हैं निक्की तंबोली को लेके। तो लेकिन उसका ये जरूर नुकसान हुआ कि निक्की तंबोली को काफी कम वोट पड़ रहे हैं। तो यहां पे मैं बता दूं, अभी तक भी जो निक्की तंबोली को 4% वोट पड़े हैं, निक्की तंबोली 4% वोट पूरी वोट में से निक्की तंबोली के हिस्से आ रहे हैं दोस्तों। तो निक्की तंबोली के बाद जो आता है, जिसके ऊपर के बिग बॉस को ये बिल्कुल भरोसा है कि इसने शो को खड़ा किया, इस शो के लिए वो किया, चाहे बहुत अपनी जो सीमाएं भी लांग जाती है वो कंटेंट देने के लिए, क्योंकि कंटेंट मतलब टीआरपी, कंटेंट मतलब कंटेंट जितना करेगी, इंटरेस्टिंग चीजों को बनाएगी, लोग देखेंगे, शो देखेंगे तो टीआरपी बढ़ेगी, फायदा किसका होगा, बिग बॉस का फायदा होगा। तो ये तो मुझे तो राखी सावंत की बड़ी ही ईमानदार अप्रोच लगती है। तो राखी सावंत को यहां पे 10% लोग वोट डाल रहे हैं, टोटल वोट का 10% वोट जो है राखी सावंत को पड़ रहा है, ये 14% तो ये दोनों के हिस्से आ गए। उसके बाद एक व्यक्ति आता है, जी हां दोस्तों, अली गोनी। अली गोनी यहां पे, अली गोनी के काफी चीजें, अली गोनी का सीन जो है इमोशनल सीन बहुत सारे लोगों को पसंद आया, बहुत सारे लोगों को ये था कि भाई राखी सावंत का नाम वहां पे लेने की क्या आवश्यकता थी, बहुत सारे लोगों ने पॉइंट भी उठाए कि भाई अली गोनी मदर से मिल रहे थे तो वो तो बड़ा ही अच्छा मौका होता है। अली गोनी ने भी बहुत सारे लोगों को भोग किया है, कविता को कैसे करते थे, यहां पे ये कहना कि मां बहुत तंग आ गया हूं, मां मां अब नहीं रहा जाता है, रहा नहीं जाता तो छोड़ दो, 3 दिन बचे हैं, उसके बाद टेडी बेयर के साथ भी, जैस्मिन के साथ से पहले कभी नहीं देखा, दूसरा अली गोनी ये सब चीजें हैं, दूसरा जैस्मिन भसीन के फैंस को महसूस होता है कि अली गोनी जैस्मिन के लिए नहीं खड़े होते, रूबीना बार बार अली गोनी के सामने जैस्मिन की डिसरिस्पेक्ट करती है, जैस्मिन के बारे में बोलती है, अली गोनी चुपचाप बैठे रहते हैं और वैसे कहते हैं कि जैस्मिन के बारे में कोई बोल दे तो मैं बैंड बजा दूंगा, रूबीना बार बार बोलती है कि इस शो में दो ही लोगों ने मेरा दिल दुखाया है, जैस्मिन भसीन और राखी सावंत, फिर रूबीना कहती है कि जैस्मिन भसीन जो है उसको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, तो अली गोनी खामोश देखते रहते हैं, इसके लिए ये कारण है अली गोनी को कम वोट पड़ने का, नहीं तो अली गोनी डिजर्विंग थे भैया बिग बॉस की बिल्कुल टॉप टू में जाने के, इसके लिए अली गोनी के हिस्से आते हैं 18% वोट पड़ रहे हैं अली गोनी को। तो उसके बाद आता है राहुल कृष्ण वैद्य, दोस्तों राहुल कृष्ण वैद्य को यहां पे 32% वोट पड़ रहे हैं। तो जो लोग पूछ रहे हैं ना रूबीना और राहुल में कितना फर्क है दोस्तों, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि रूबीना दिलायक और राहुल वैद्य में अभी जो लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड मेरे पास है उसके मुताबिक 4% वोटों का फर्क है। तो
तो बीच में ये फर्क काफी बढ़ गया था, 8-10% भी हो गया था, अभी 4% का फर्क है। राहुल वैद्य के फैन जो किसी भी हाल में राहुल को विनर देखना चाहते हैं, तो वहां पे रुबीना के फैंस भी लगे हुए हैं। तो राहुल को 32%, रुबीना दिलाय को पढ़ते हैं 36%, यानी कि 36% वोट यहाँ पे रुबीना दिलाय को दिखाई देते हैं। तो नंबर 1 पे रुबीना दिलाय, नंबर 2 पे राहुल वैद्य, नंबर 3 पे अली गोनी, नंबर 4 पे राखी सावंत और नंबर 5 पे है यहां निक्की तंबोली। तो कैसा लगा आपको ये, क्या आप कर रहे हैं लगातार वोट, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।